गिर ना जाऊं, भगवान जय श्री राम जय श्री राम। अरे 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 बैक रिवर्स, जय श्री राम दोस्तों। क्यों करता हूँ इतनी बकचोदी में, आई तेरा पैर। मेरा एक तो ये हैमस्ट्रिंग खींच रखा है बॉलिंग कर करके, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर। नमस्कार सिलगुजो, आज मैं बहुत ज़ोर से बोल नहीं पाऊँगा, बड़े ही धीरे धीरे बोलूँगा क्योंकि मेरी दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों बोला नहीं जा रहा, मुँह नहीं खुल रहा यार। फिर भी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। हर वीडियो के स्टार्ट में जता देता हूँ कि एहसान कर रहा हूँ जैसे बहुत बड़ा, 2 वीक में एक वीडियो डाल के। तो मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा ऐसे ही बोलूँगा, तो ज़रा ध्यान रखना एडजस्ट आज के वीडियो के लिए। डायलॉग पे फोकस करो, ये स्पीकिंग स्टाइल पे, स्पीच क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बोलने के तरीके फोकस मत करो, ठीक है। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो हमारी है एक स्टार के बारे में, नहीं यूट्यूब स्टार नहीं, वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करती है लेकिन है काम पूरे उसके पॉम पॉम स्टार वाले। पॉम पॉम स्टार, पॉम पॉम स्टार। YouTube का एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसने YouTube पर तंबू गाड़ के अपना पूरा कोटा खोल दिया है। समझो YouTube अगर एक कॉलोनी है तो ये एक ऐसा घर है जहाँ पे 24 घंटे ब्लू लाइट जलती रहती है और उसके पास से गुजरने पे हमेशा आपको एक ही आवाज आएगी, एक चिकने चलता है क्या। छिनाल बना समझाने का इससे बेहतर तरीका मेरे पास नहीं था, तो आओ अपनी नजरें दूषित करते इस चैनल पे दे मार के। कहाँ पे मेरा फोन, मेरा फोन कहाँ फेंक देता हूँ एक तो मैं यार, धीरे बोल ले दर्द हो रहा है। मिल गया फोन। तो इस चैनल का नाम है बबीता रॉक्स, जो कि गलत है ऑब्वियसली क्योंकि द ओनली टाइम व्हेन बबीता रॉक्ड व्हेन जेठालाल सेड। सच बता रहा हूँ एकदम, आप आज आइटम लग रहे। नहीं इतना दिमाग मत लगाओ, चैनल के नाम का उसके अंदर के कंटेंट से कोई रिलेशन नहीं है। देखो बबीता का तो पता नहीं लेकिन रॉक जरूर कर रही है हमारी मुस्तंडी अंदर दी सिमरन जी। थरक वो क्या होती है, थरक खुद सुबह सुबह आके सिमरन जी के आगे 2 अगरबत्ती और 1 दिया जला के जाती है। बढ़िया लग रही है, पास चल के देखें क्या क्या है। चले पूछे और मैडम क्या हाल है। चिकने और यहाँ क्या कर रहे हो आप। बैठी हूँ, दिख नहीं रहा तुझे। दिख तो रहा है, पूरे पार्क में यार आसपास कोई भी नहीं है, कहीं पे अकेले बैठे हुए। तभी तो धंधा हो रहा है यहाँ पे, अकेले बैठे हो तब। धंधा नहीं उसको बोलते हैं, धंधा तो ऐसे बोल रही है जैसे किराने की दुकान खोल के बैठी हो वहाँ पे। वो यहाँ परचूरण लेने नहीं आया, वर्जिनिटी हरण करने आया है। अच्छा धंधा होता है क्या यहाँ पे। हाँ होता है, तुझे करना है। करना तो है, करना तो बता फिर क्या है, कैसे देगा, क्या बजट है। वो देगा नहीं लेगा, और बजट तो ऐसे पूछ रही है जैसे होम लोन की EMI चुकाना है वो। बजट की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या अकेले हो किधर। अकेले तेरे को दिख रहा है कोई आसपास में। ये मतलब जैसे होता है ना स्टाफ में होते हैं 4-5 और, अकेले ही वहाँ पे करते हो। अकेली हूँ, अकेली मैं ही करती हूँ। भोसड़ी के CA की ऑफिस में आया, स्टाफ चाहिए तेरे को। जैसे अकेले में दो ज्यादा बंदे हो तो अकेले कर ले तो सबका। अकेले कर ले तू, मैं तू ये सब छोड़ना, तो पैसे बता कितने देगा। पैसों का तो आप ही बताओगे ना, कितने पैसे हैं, क्या हिसाब है आपका। मैं तेरी माँ का टुनटुन मौसी मारू साले, बाप से लाते खा खा के दूध छाछ में 2-2 रुपए बचा बचा के तूने 350 रुपए जुगाड़े, वो भी यहाँ खर्च कर देगा। अय्यासी चल रही है फुल, दर्द हो रहा है यार। एक बार को कैमरा यूं करके अपनी तरफ घुमा दे, फिर देख तेरा बाप कैसा तेरा हिसाब करता है। अरे कहाँ को चल दिए, हो गई डील डन। अरे इतना जल्दी तो लोगों का आधार कार्ड लिंक नहीं होता यार, जितना जल्दी ये लोग वी कार्ड लिंक करवा रहे हैं। और वी कार्ड मतलब मुझे पता, तुझे नहीं पता होगा, वर्जिनिटी बोलते हैं। फिलहाल मैं ही दिख रही हूं यहां पे। तो झुग्गी में काम ही डल आएगा सब में। काम ही डलेगा और क्या डलेगा, किस लिए इतने सारे झुग्गे डाल रखे, काम ही डालने के लिए डाल रखे हैं, बैठने के लिए डाल नहीं रखे मैंने यहाँ पे। अच्छा जी, बहुत सारी लड़कियां हैं यार यहाँ पर तो। हाँ तो भाई काम की है, मेहनत की है, तब मैंने इतने झुग्गे डाल रखे, फ्री में थोड़ी ना डाल रखी है। मेहनत, ये कैसी मेहनत है भाई, जो अगर औरत करे तो पैसे लेती है और मर्द करे तो पैसे देता है। बड़ी रेसिस्ट मेहनत है यार, रेसिज्म इंडिया से खत्म करो, मेरी मांग है मर्दों को भी पैसे दो। कौन सी झुग्गी में करेगी ये बता। किसी भी झुग्गी में कर लेंगे, इतनी सारी झुग्गी कहीं कहीं भी चले जाएंगे। पीछे वाले में चले, आगे पीछे नहीं, जिसमें मेरा मन होगा मैं उसमें ले जाऊंगी। चलो लेके चलो, पहले पैसे निकाल, लेके चलो। पेटीएम कर रहे ना, देख पेटीएम को कोई झंझट नहीं, तो पेटीएम पे ही मार लेता कम से कम जाके। मैं देख यहाँ पे ड्रामा नहीं चलता, यहाँ पर हर एक लड़की अच्छे से मन लगा काम करती है, जो मेरा मन मन लगा के काम करती है। यार ये झुग्गी झोपड़ी में कहीं UPSC की तैयारी तो नहीं करवा रहे कि लौंडा जैसे ये ट्रैप बिछा रखा है पूरा,
और जैसे ही लौंडा आया उसको बहला फुसला के ले गए झुग्गी झोपड़ी में, वो लौंडा रेडी है भाई, बेल्ट वेल्ट खोल के आ जाता हूँ, मजा आएगा, पकड़ लिया उसको साले को पीछे, साले पढ़ाई कर, साले पकड़ लिया साले को, पढ़ाई कर साले, तेरी जिंदगी बना देंगे हम, पढ़ाई कर, मन लगाया करियो, पकड़ लिया आज तरंगे हाथ, फिल्म निकालनी है इस बार, साले तेरी जिंदगी बना के छोड़ेंगे, याद रखियो तू। मैं कितनी अच्छी समझ रहा हूँ यार इसको, क्या करूं मेरे अंदर की इतनी अच्छाई का, क्योंकि सिर्फ इनके वीडियो के टाइटल भी पढ़ लोगे ना तो भी सीधे तुम नरक के दरवाजे पहुंच जाओगे। सिमरन की मारी पीछे से, कम ऑन ब्रो, मैंने पूरी वीडियो देखी है ठीक है, पीछे से छोड़ तूने आगे से भी नहीं मारा। सिमरन का गड्ढा चेक कर लिया, अबे सिमरन है कि म्युनिसिपैलिटी की गटर, जो आए दिन कोई ना कोई गड्ढा चेक करने जाता रहता है। मेरे को चोरी का मिल रहा है, तीन बार अपनी नस काटने की कोशिश की है, मैंने गिफ्ट दिया ठीक है, गिफ्ट देने का मुझे क्या गिफ्ट दे रही है, टॉफी बांट रही थी, किसी को फोन दिया, किसी को पैसे दिए, किसी को नीचे से दी दी, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को क्या कहते कपड़े दिए, जिसके पास मतलब जो नहीं था उसको वो दिया मैंने, और जिसके पास में जो नहीं था वो दिया, और लौंडो हंस क्यों रहे हो, अरे स्माइल क्यों कर रहे हो सालो, हरामी हो, मैं चप्पल की बात कर रहा था, साले नोटी हो रहे हो बहन के लो, अरे गांधी एक्टिंग, यहाँ कर क्या रही है तू? मैं बाबू तैयार हो के मुझे सुसु आया था, तो मैंने पार्क में फोटो क्लिक करवाने आया था, सेंटा क्लॉज वाला सबको, तैयार हो के पार्क में सुसु करने आई थी है। आई कांट इमेजिन बिना तैयार हुए कहाँ जाती होगी, मगर पहले जुखाम करवाएगी मेरे को, जुखाम चाटे चाटा मारूंगी ना, मुंह देगा खजूले, जुखाम करवा दूंगी, जुखाम का मतलब समझते क्या होता है, मुझे पता है, जूते जो पहन रखे ना सर पे मारूंगी ना, मैं ऐसे गंदे नशे करूँ ना करवाऊँ, समझ में आया, एक ही जुखाम करवाएगी तभी तो पूरी रात जगूंगा, वरना नींद नहीं आ जाएगी, दो ट्रिप में झूले, मेरी बात सुन, जुखाम उखाम बकचोदी मत, मेरे पास सिर्फ एक ही नशा है, मेरी मार और मैं अपना दे बात करता, मैं जुखाम उखाम नहीं करवाती, मैं ऐसे गंदे बंदों से ना बात करना ही पसंद नहीं करती, करना तो चल नहीं करना था, मैं जाऊँ यहाँ से, गंदे बंदे वो गंदा है और तुम तो वृक्षारोपण करने आई हो यहाँ पे, मैं ऐसे गंदे बंदों से ना बात करना ही पसंद नहीं करती, करना तो चल नहीं करना था, मैं जाऊँ यहाँ से, अच्छा नहीं कर रहा जुकाम, बैठो तो सही, दो मिनट बात तो कर लो मुझसे, जुकाम होता क्या है किसी को पता है तो प्लीज बताओ कमेंट में, और ये कैसे जुकाम करवाएगा, कि नाक में बर्फ डाल देगा, आए तो कुछ और डाल ले, वैसे बर्फ डाले तो ही बेटर है, गोड़ी बनेगी ना देख ले बाद में, चीका चिल्ली मत करियो, अच्छा गोड़ी, अच्छा खा मत जाइयो मेरे को, नो टेंशन ना, देख ले फिर बाद में आकर, पहले दिखा, पहले पीछे से घूम के दिखा कैसी चीज़ है, मैं अब अच्छा अच्छा मगर भाई, मगर तेरा उछाला दे दो, यहाँ क्या कर रहे हो, वो खाई दी नहीं है, 17 का पाड़ा सीख रही है, गांडू क्या कर रही है, गोल गोल घूम के क्या शक्तिमान बनने की कोशिश कर रही है, वो क्या कर रही है, कांटे वाला गुब्बारा नहीं चाहिए ना मुझे, नॉर्मल, और आगे भाई तीन बंदे तो तेरे यार कितने बंदे, कैसी क्रिसमस बन रही है, वहाँ तीन लौंडे आ रहे हैं प्रेजेंट के साथ अपने अपने, ऐसे चलती रही क्रिसमस तो 31st तक नहीं पहुँच पाओगे तुम, तो जागे ही टूटते है ना ऐसे तो एकदम, हाँ तो भाई ठंड है तो टूटी फूटी इंग्लिश आएगी ना, वरना गर्मियों में तो मैं भी सख्त रहती हूँ, ठंड में तो गर्मी चाहिए होती है और गर्मियों में ठंडक चाहिए होती है, मगर आजकल तेरे को ठंड में चाहिए गर्मी, गर्मी में चाहिए ठंड, पर तुझे तो पूरे 12 महीने एक ही चीज चाहिए, गंदा कहीं का, वैसे गर्मी नहीं मिल रही है, हार मान जाती है तो एक बार, अरे मैं किधर हार मान जाती हूँ, मैं हार नहीं मानती, मुझे तो गर्मी लगेगी ना, जब इतना देखो इतना महंगा ब्रांडेड कोट पहन रखा है, इतनी सेक्सी सी बन के घूमती हूँ, क्या गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी देने वाले बहुत आ जाते हैं, देखो स्मार्ट सी तुम हो, वो तो देखो बोल नहीं सकता कि तुम स्मार्ट, भाई सिमरन, अरे कैटरीना कैफ के बगल के बाल, दीपिका और आलिया तो दिन रात सपने देखते हैं ना सिमरन बनने के, सिमरन तो जाके पहले गड्ढा चेक करवा अपना, मेरा दिमाग खराब हो गया और जबड़ा भी खराब हो गया देख देख के, आह पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने पे आपको एक सिमरन मिलेगी प्रेजेंट के साथ, गड्ढा चेक करवाने, थैंक यू, और मेरी कॉमेडी शॉर्ट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय। और गुप्ता जी क्या हाल है, क्या कर आपके साथ हादसा हो गया, क्या हुआ, किसी ने जबरदस्ती आपको किसी झोपड़ी के अंदर घुसेड़ दिया और पढ़ाई करने बिठा दिया,
यार कोई ऐसा कैसे कर सक। वह सब समझ गया गुप्ता, कहाँ गया था तू? वह तेरी उम्र में घुटने टूट जाते इंसानों के, तू बिस्तर तोड़ने की बात कर रहा है।